आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ द टी फैक्ट्री। आप नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको कोई चाय की कोई फैक्ट्री में नहीं लेके जा रहा हूँ। ये एक रेस्टोरेंट है हमारे सहारनपुर में द टी फैक्ट्री के नाम से, और यहाँ मिलते हैं इंदौर और मुंबई के वर्ल्ड फेमस फूड आइटम्स। लोकेशन आपको बता देता हूँ, ये ऊपर एक बार आशु दिखा दे, ये हमारा ऊपर कोर्ट रोड का ब्रिज है, और कोर्ट रोड के ब्रिज से जब हम नीचे उतर के आते हैं तो आशु इधर दिखा, ये हमारा रोडवेज वर्कशॉप है जहाँ पे रोडवेज बस भी खड़ी हुई इनफैक्ट आपको दिख रही होगी, और इसके बिल्कुल पास में ये यहाँ पे हमारा है द टी फैक्ट्री। तो दोस्तों कौन कौन से वो फूड आइटम्स हैं जो यहाँ लोगों को दीवाना बनाए हुए हैं, आओ मेरे साथ, चलो हम देखते हैं और खाते भी हैं उनको, आओ मेरे साथ दोस्तों। तो चलो भाई काउंटर पर बाबूजी बैठे हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। बाबूजी थोड़ा सा यहाँ के बारे में हमें बता दीजिए। ये अभी रेस्टोरेंट रिसेंटली लास्ट ईयर खोला था आपने? लास्ट ईयर ये खोला था जी, और अभी ये ठीक अपनी पोजीशन में ठीक है इस टाइम। यहाँ पे हम लोग कॉन्टिनेंटल फूड, चाइनीज फूड और इंडियन फूड, और अपना ये टी फैक्ट्री के नाम से हमने फ्रेंचाइजी, ये इंदौर की फ्रेंचाइजी है टी फैक्ट्री इंदौर की फ्रेंचाइजी है। हाँ। जी और इंदौर जैसा कि है ना मशहूर है खाने पीने के मैंने वहाँ का नाम सुना कि चटोरे लोग बहुत हैं वहाँ। हाँ, है ना, इंदौर को है ना चटोरे नाम से भी जाना जाता है। चटोरे नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों के यहाँ बहुत सारी चीज़ें है ना, हर चीज़ है ना स्पेशल है, लेकिन यहाँ की जो दही बास्केट है ना वो फेमस है। दही बास्केट सिर्फ है ना आदमी है ना एक दही बास्केट खाने के बाद है ना फ्रेंचाइजी डन कर देता है, ये मतलब ये हमारे कंपनी का टेस्ट है। अच्छा, तो दही कटोरी के नाम से हाँ, बता रहे दही बास्केट। तो चलो भाई बड़ी अच्छा लगा भाई से बात करके, और भाई चलिए हमारे लिए भी आप वो बनाइए। ये एक बार पहले आपको दिखा देता हूँ, दिल मेरा बड़ा खुश हो रहा है यार, ये डिफरेंट से आइटम है, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। इनमें से कुछ आइटम गुजराती हैं, कुछ इंदौरी हैं, और हमारे साथ है यहाँ पे भाई, इनसे बात कर लेता हूँ। मैं जरा पूछ लेता हूँ पहले तो इनका नाम क्या क्या है। भाई आपका नाम? गौरव है सर। गौरव भाई, गौरव मेरे को ये बताओ यार, ये इतने डिफरेंट से आइटम यहाँ पे जो है, ये कौन कौन से आइटम है जो आपने हमें दिए हैं? सर ये तो पोटैटो स्पाइरल हो गया। पोटैटो स्पाइरल है, अच्छा। ये जिंजर टी हो गई। ये जिंजर टी, ये रोस्टी। रोस्टी भाई, टी फैक्ट्री में आए हैं तो बिना चाय पिए तो मुझे जाना नहीं था। आपको बता देता हूँ भाई, यहाँ पे चाय की बहुत सारी वैरायटी है, रोज टी, लेमन टी, जिंजर टी, ऐसी ऐसी चाय हैं जो शायद आपने नहीं सुनी होंगी, और भैया ने मेरे को इसमें से बताया था कोकोनट टी भी है भाई, कार्डमम टी है, मसाला टी है, ग्रीन टी, ईरानी टी, चॉकलेट टी, पर मैंने दो ही चाय अभी यहाँ पे ली है आपको बता देता हूँ, जिंजर और रोज टी हमारी है। अच्छा ये क्या है? ये दही चाट कटोरी है, इंदौर की मशहूर है। इंदौर की मशहूर दही कटोरी चाट। जी जी। इसको पूरा को ही खाया जाता है क्या? जी सर। अच्छा ऐसे ये पूरा खाया जाएगा? जी पूरा खाया जाएगा। अच्छा ये पूरा, अच्छा पूरा ही टेस्ट है। ओ वाह यार देखो कितना बढ़िया आइटम ये है। ये क्या चीज़ है? ये बॉम्बे वड़ा पाव है सर। ये वड़ा पाव है बॉम्बे का? यार सहारनपुर के अंदर आपने पूरे देश के आइटम्स हमें खिलाने वाले हो। ये क्या चीज़ है? ये दाबेली है गुजरात। दाबेली गुजरात की? जी। ओहो भाई देखो मैं सही कह रहा हूँ, मसाला दाबेली गुजरात, मसाला दाबेली गुजरात की, मतलब सहारनपुर के अंदर पूरे देश के अलग अलग डिफरेंट टेस्ट आपको द टी फैक्ट्री में यहाँ पे मिल रहे हैं यार। तो भाई सबसे पहले तो भाई मैं ये खाऊंगा दही कटोरी चाट, यहाँ पे हाईएस्ट सेलिंग है, और कहते हैं इसको इसको पूरा ही खाया जाता है। एक बार देख भी लो पास से ये भाई। भैया मुझे कह रहे थे कि अगर एक बार ये खा लिया ना तो आप इसकी फ्रेंचाइजी लेके मानोगे, वो बात बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया आइटम है भाई, यूनिक सा, डिफरेंट सा, ज़बरदस्त टेस्ट है। लाजवाब भाई, बहुत बढ़िया टेस्ट है। थोड़ा सा ये गुजराती दाबेली, ये देखने में आपको कुछ कुछ वड़ा पाव जैसे ही वैसे मेरे को लग रहा है, पर भाई कुछ कह रहे थे कि बिल्कुल थोड़ा सा उससे अलग हटके ही डिफरेंट टेस्ट है इसका। इसको खाता हूँ थोड़ा सा, पहले देखता हूँ टेस्ट क्या है। अंदर एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये देखो पीनट वाला ये इसके अंदर मसाला भरा हुआ है काफ़ी सारा, और बड़ा लाइट सा उसका मसाला है, मिक्सचर जो है ना अंदर भरा हुआ जो है। ओह भाई वाकई में यार मज़ा आ गया। भाई सही में लाजवाब आइटम्स यहाँ पे मिल रहे हैं वाले। ये था हमारा गुजराती मसाला दाबेली। इसके बाद हमारा आता है मुंबई का वड़ा पाव। पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे भाई फूड इन्होंने हमें प्रोवाइड करा दिया है,
ये इसकी वड़ा पाव की मिर्ची, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। वड़ा मेरे को देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, अंदर देखो भाई कितनी अच्छी है पैटी लगाई हुई इसके अंदर। चलो ट्राई करते हैं, थोड़ा सा सॉस में डिप कर लेता हूँ हल्का। फिर से वही लाजवाब जायका, ज़बरदस्त टेस्ट है। और लास्ट अब मैं आपके सामने ट्राई कर रहा हूँ पोटैटो स्पाइरल। ये देख लो भाई पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है जैसे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे ना ये कोई शिप जा रहा हो। तो चलो भाई इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार, यहाँ से एक निकाल लेते हैं। इसमें शायद मुझे लग रहा है ये पूरा अपने आप में कंप्लीट पैकेज है कुछ। ओहो स्पाइरल है तो भाई थोड़ा सा खाने में आपको हल्की सी मेहनत करनी पड़ी थी मुझे तोड़ने में। सिंपल बट टेस्टी, मैं यही कहूँगा सिंपल बट टेस्टी है। तो टेस्टी से स्नैक्स खाने के बाद भाई अब टी फैक्ट्री आए हैं तो यार चाय तो पीना बनता है, जिंजर टी, रोज़ टी, एकदम कड़क। अब जिंजर टी तो नॉर्मली हम पीते रहते हैं, अब ट्राई करते हैं रोज़ टी। ओए होए होए भाई लाजवाब। ये समझ सब आ रहा है कि चाय है पर फ्लेवर्ड है और वो भी रोज़। भाई मज़ा आ गया, ज़बरदस्त। मैं तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि टी फैक्ट्री में यहाँ पे ये जो सारे अलग अलग डिफरेंट आइटम्स आपको मिल रहे हैं इनके लिए यार तो एक बार आना बनता है। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि ये सारे आइटम बहुत बहुत ज़्यादा टेस्ट में तो लाजवाब हैं ही, और प्राइस वाइज भी मैं आपको बता देता हूँ। सारे आइटम भी मैं चेक कर रहा था यहाँ पर, आपकी जो टी है ये रोज़ टी, जिंजर टी 20 रुपये से स्टार्ट होकर 35 मैक्सिमम जाती हैं। इसके बाद हमारी जो दही कटोरी चाट है ये भी 80 रुपये की है। वड़ा पाव हमारा अराउंड 50-40 रुपीज़ के हैं वह पाव जो हमारे पास हैं। और ये हमारा जो दाबेली है ये मैं आपको बता देता हूँ ये हमारी 50 रुपीज़ की है। और बाकी हमारा जो चीज़ ये पोटैटो स्पाइरल है ये 60 रुपीज़। दोस्तों चैनल को सपोर्ट करते रहना और भाई टी फैक्ट्री आके यहाँ डिफरेंट आइटम ज़रूर ट्राई करना। और हाँ लाजवाब आइटम है, मैं बता रहा हूँ ये बच्चों को भी पसंद आने वाला है। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, बहुत है।